शुद्ध होगा, पर ये निर्गुण ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि जय जयकार जो बोली जाएगी वो निर्गुण ब्रह्म के लिए बोली जाएगी। जय जयकार जब भी बोली जाएगी तो जय जयकार बोलते समय जो गुणों का वर्णन किया गया तो वो भगवान के गुणों का शक्तियों का ही वर्णन किया जा रहा है। और हम जहां समापन कर रही है वहां पर भी कह रही है कि शक्तियों का हमने जो वर्णन किया उसमें हम परिपूर्ण रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए नेती नेती कह करके हम ये कह रही है कि हमने जितना वर्णन किया वो परिपूर्ण नहीं है, वह न तो वैसा का वैसा परिपूर्ण है और ऐसा भी नहीं है कि इसके आगे कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि हमने जो वर्णन किया उस वर्णन को की जो व्याख्या की जा रही है वो व्याख्या वैसी भी है, उसके लिए अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। तो तीनों तरह से अभी बहुत कुछ बात व्याख्या करने से रह गया, जो वर्णन किया गया है वो संपूर्ण है, उतना सा अंश भी संपूर्ण है ऐसा भी नहीं है, और इसकी जो प्रकट अर्थ निकल रहा है उस प्रकट अर्थ को भी अनेक रूपों में प्रकट किया जाएगा। पर जब कोई प्रकट अर्थ का वर्णन करते समय अर्थ का खंडन करने में जो प्रतिपाद्य विषय है उसका ही खंडन कर दे और शून्य की स्थापना करने लगे तो ऐसा मत वेदग्राही मत नहीं होगा, खंडन करके ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इसको कहते कहते भगवान बुद्ध जैन वे पर तत्व का ही खंडन करने लगते हैं, वेद का ही खंडन करने लगते हैं, ऐसा नहीं होगा। न तो वेद का खंडन किया जा सकता है न वेद जिस पर तत्व का वर्णन कर रहे हैं उसका खंडन किया जा सकता है। हाँ, जो व्याख्या की गई उस व्याख्या को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई उसे विशेषाद्वैत के रूप में, कोई शुद्धाद्वैत के रूप में, कोई द्वैताद्वैत के रूप में, कोई अचिंत्य भेदाद्वैत के रूप में, किसी भी कोई द्वैत के रूप में उसका स्थापन कर सकता है। तो व्याख्या श्रुति ने जो की उसके लिए अभी भी रास्ता खुला हुआ है, परंतु परतत्व का खंडन कहीं भी नहीं किया जाएगा, वेद का खंडन कहीं भी नहीं किया जाएगा। तो हम श्रुतियां भगवान का ही वर्णन करती है, तो आम अद्वैत का तात्पर्य है यज्ञ जिसमें खंभा नहीं गाड़ा गया हो, यूप नहीं गाड़ा गया हो, उसका नाम है यज्ञ। जिसमें खंभा गाड़ करके किसी पशु को भी समर्पित किया जाए उसका नाम है अद्वैत। तो आमना है अद्वैत। फिर तीर्थ, तीर्थ माने जो स्वयं भी पवित्र है दूसरे को भी पवित्र करे। फिर मंत्र, मंत्र का मतलब है जो मूल्यवान है गुप्त रूप में जिनको दिया जाएगा, गुप्त रूप में जिसको रखा जाएगा और गुप्त समझ करके ही, मूल्यवान समझ करके ही उसकी आराधना की जाएगी, उसका नाम है मंत्र। तपसा माने इंद्रियों को तपा करके उनको शुद्ध करना। और स्वर्ग अखिला, अखिल स्वर्गणाम, सारे स्वर्ग जितने भी स्वर्ग वासी हैं शुद्ध गण है। महाकाम त्रयो और जितने भी महातत्व महान जन है तपस्वान है जो सिद्धि को प्राप्त करके विराजमान है उन सब की भी अपूर्व सिद्धि होकर के जो चिक्षक